तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बताएंगे आपको ऐसी कहानी जो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। शुरू करते हैं वीडियो। मेंढकों की टोली यानी ग्रुप ऑफ फ्रॉग। तो शुरू करते हैं मोटिवेशनल स्टोरी। एक मेंढकों की टोली जंगल के रास्ते से जा रही थी। अचानक दो मेंढक एक गहरे गड्ढे में गिर गए, यानी एक गड्ढा था वो गहरा गड्ढा, उसमें गिर गए। जब दूसरे मेंढकों ने देखा कि गड्ढा बहुत गहरा है तो ऊपर खड़े सभी मेंढक चिल्लाने लगे, तुम दोनों इस गड्ढे से नहीं निकल सकते। यानी जो गिर गए थे उनको और नीचा दिखा रहे थे, यानी हौसला गिरा रहे थे कि तुम निकल नहीं सकते इस गहरे गड्ढे में से, तो तुम दोनों इसमें से निकलने की उम्मीद छोड़ दो। उन दोनों मेंढकों ने शायद ऊपर खड़े मेंढकों की बात नहीं सुनी और गड्ढे से निकलने के लिए लगातार वो उछलते रहे, यानी उन्होंने प्रयास करना नहीं छोड़ा। और जो दूसरे मेंढक थे जो ऊपर थे वो उसको कहते रहे कि तुम इससे नहीं निकल सकते। बाहर खड़े मेंढक लगातार कहते रहे, तुम दोनों बेकार में मेहनत कर रहे हो, तुम हार मान लेनी चाहिए, यानी तुम्हें हारना चाहिए, तुम दोनों को हार मान लेनी चाहिए, तुम निकल नहीं सकते। बार बार कह रहे थे तुम निकल नहीं सकते, तुम निकल नहीं सकते, तुम्हें हारना चाहिए। तो गड्ढे में गिरे दोनों मेंढकों में से एक मेंढक ने ऊपर खड़े मेंढकों की बात सुन ली और उछलना शुरू कर दिया, यानी कोशिश करता रहा बाहर निकलने की। और जो दूसरा मेंढक था वो कोने में बैठ गया। दूसरे मेंढक ने प्रयास जारी रखा, वो उछलता रहा जितना वो उछल सकता था। बाहर खड़े मेंढक सभी मेंढक लगातार कहते रहे कि तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, पर वो मेंढक शायद उनकी बात नहीं सुन पा रहा था और उछलता रहा। और काफ़ी कोशिशों के बाद वो बाहर आ गया। दूसरा मेंढक ने कहा, क्या तुमने हमारी बात नहीं सुनी? उस मेंढक ने इशारा करते बताया कि वो उनकी बात नहीं सुन पाया क्योंकि वो बहरा है, सुन नहीं सकता, इसलिए वो किसी की बात नहीं सुन पाया। वो तो यह सोच रहा था कि सभी उसका उत्साह बढ़ा रहे हैं। तो इस कहानी से हमें दोस्तों सीख क्या मिलती है सीखने को? पहला पॉइंट, जब भी हम बोलते हैं उनका प्रभाव लोगों पर पड़ता है, इसलिए हमेशा सकारात्मक बोलें। पॉइंट नंबर सेकंड, लोग चाहे जो भी कहें आप अपने आप पर विश्वास रखें और सकारात्मक सोचें। पॉइंट नंबर थर्ड, कड़ी मेहनत, अपने ऊपर विश्वास और सकारात्मक सोच से ही हमें सफलता मिलती है।